हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जोशी नेटिंग चैनल में। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये स्वेटर मशीन में किस तरह से बनाई हमने वो शेयर किया हुआ है। आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। सेकंड पार्ट में हम इसकी सिलाई और इसमें हमने जो फिनिशिंग करनी है, पट्टी बनानी है, वो कैसे बनाएंगे वो बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आप इसे इस तरह से सिलाई में ले लें। सिलाई में किस तरह लेना है, फर्स्ट हमने फ्रंट का पार्ट है वो डालना है, और फिर हमने बाजू लगाना है, और फिर बैक पार्ट, फिर बाजू, फिर फ्रंट का पल्ला। इस तरह से आप लगा लोगे, या तो आप इन्हें मशीन में ही बंद कर लीजिए, क्योंकि मशीन में मैंने कई बार गला और पट्टी किस तरह से बनाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आप लोग चैनल में जाके चेक कर सकते हो। तो मुझे कई लोगों की कमेंट आ रही थी कि मैं हाथ से आप लोगों को पट्टी बच्चों की स्वेटर में किस तरह बनाते हैं वो बताऊं, तो इसलिए मैंने इसे आगे मशीन में नहीं बनाया। तो इस तरह से पहले मैं अपने सारे जो हमारे कास्ट हैं उन्हें बंद कर दूंगी। आप चाहो तो आप मशीन में भी इसे बंद कर सकते हैं, जैसे हमने उतारे थे कास्ट, आप उसी समय एक साइड इन्हें बंद भी कर सकते थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस तरह से सिलाई लें और जैसे हम नॉर्मल तरीके से कास्ट ऑफ करते हैं उसी तरह से आप इनके कास्ट ऑफ करते जाइए। और जहाँ पे आपका थ्रेड है वहाँ पे आप नॉट लगा लीजिए, बाद में हम इसे कट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर भी चेक कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जुड़ चुका है। अब हम इसे पहले मैं इसे सिल लूँगी इसके बाजू को, तो हमारा पट्टी और गला बनाने में आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जहाँ से हमने बाजू की कटाई की थी वहाँ पर से पल्ला पकड़ लेना है, और सुई की सहायता से हम उल्टी साइड से इसे सिल लेंगे। अगर आपको डिज़ाइन डालना है तो आप फ्रंट साइड से भी कोई डिज़ाइन डाल के सिल सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए मैंने नॉर्मली सिलकर आपको बताया है। तो इस तरह से आपने नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट को हमने बराबर में पकड़ना है इस तरह से, और जो हमारा ये वेस्ट थ्रेड है आप इसे क्रोशिया की सहायता से सिलाई के अंदर डाल लें। और इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। और अब हमने सेम इसी तरह ऊपर की साइड से भी पकड़ते हुए बाजू को लाना है और बराबर करके सिल देना है। बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता है मशीन में हमने कितनी जल्दी बना लिया था, और बटन पट्टी भी मशीन में मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो इसलिए सोचा आज आपके साथ इसकी फिनिशिंग हाथ से ही शेयर करूं। तो ये देखिए हमने सिल लिया है, तो हमारा कुछ इस तरह से ये आपको दिखेगा, ये देखिए। और अब हमने क्या करना है, इसे बाजू को अंदर की ओर से हम सिल लेंगे, इस तरह से सीधा करेंगे। और आपने बाजू को बगल से ही सिल लेना है। ये स्वेटर आपका 0 से 6 मंथ तक के बेबी के लिए आराम से आ जाएगा। और मेजरमेंट जैसे कि मैंने बताया है आपको वीडियो बनाते समय, तो आप अगर आपका बेबी हेल्दी है तो आप एक आध फंदे ऊपर नीचे कर सकते हो। और बाजू आपने क्या करना है, हमने इसमें डबल बॉर्डर बनाया है, तो हमने एक बार
अंदर की साइड से बॉर्डर को सिल लेना है और दोबारा हमने बाहर की ओर से बाद में सिलना है। तो इस तरीके से ये देखिए और थ्रेड आप कट कर लीजिए। तो हमारा ये बाजू बहुत ही आसानी से हमने सिल लिया है। और सेम इसी तरीके से आपने सेकंड साइड का शोल्डर और बाजू भी सिल लेना है। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। और अब आपने ये पट्टी है हमारी, तो इसके लिए मैं फंदे उठा लेती हूँ सीधी साइड से आगे से। इसमें मैं लंबे में नहीं बनाऊंगी पट्टी, बल्कि स्वेटर से ही फंदे उठा के हमने इसमें पट्टी बनानी है। लगभग 55 फंदे हम इसमें उठा लेंगे। जैसे हम गले के लिए उठाते हैं फंदे, वैसे हमने इसमें भी उठा लेना है। तो इसी तरह से हम ये देखिए बहुत ही आसानी से सारे फंदे उठा लेंगे। आप 55 फंदे रख लीजिए पट्टी के लिए। और आपको ध्यान रहे, ये वाली पट्टी हमने बटन काच वाली बनानी है। और हमने जहाँ पर तक ऊपर गोल गले की कटाई की है, वहाँ पर तक हमने फंदे उठा लेने हैं, क्योंकि हम वैसे जहाँ पर से हमने गला बंद किया तो हम वहाँ पर से भी गला बना सकते थे। यहीं पर तक हमने पट्टी बनानी है, लेकिन उससे गले की फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसलिए हम पहले पट्टी को बनाते हैं, फिर हम पट्टी से ऊपर ही हम गला बनाते हैं। तो अब इसे बना लेंगे, एक सीधा एक उल्टा करके आपने बना लेना है जैसे हमने बॉर्डर बनाया था। और चार सिलाई आपको बनानी है। ये देखिए, चार फंदे बाद आपको फिर इसमें बटन काज बनाना है। उसके लिए आप यहाँ पर देखिए धागे को लपेट लीजिए और अपना फंदा बना लीजिए। जैसे हम जाली निकालते हैं उसी तरह से हमने बटन काज निकालना है, क्योंकि ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, तो उसके लिए हमें बड़ा काज नहीं निकालना है। इसी तरह हम इसमें आगे के लिए भी चार या पांच काच निकाल लेंगे। देखिए, और यहाँ पर हमने फिर एक काच बना लेना है। आप अपने बॉर्डर के हिसाब से बना लीजिए, जैसे आपने स्वेटर में बॉर्डर बनाया होगा उसी तरह आप पट्टी भी बना लेना। तो इस तरह से ये हमारा बन चुका है। और एक काज हम यहाँ पे बनाएंगे, ये देखिए। बस आपको जैसे हम जाली डालते हैं धागा आगे किया और नेक्स्ट वाला जो फंदा है उसे हमने बना लेना है। तो अब हम इसे सीधी साइड से बनाएंगे। तो आप देखिए, ये देखिए हमने एक लूप लिया और जो जाली वाला फंदा बनाया था उसका दो का एक कर देना है। यहाँ पर हमारी जाली बन जाएगी।
यहाँ पर हमारी जाली आ जाएगी। तो हमने इसी तरह अपनी पट्टी पूरी कर लेनी है। देखिए और अब हमने दो सिलाइयाँ और लगा लेनी है, उसके बाद हम अपना बंद कर लेंगे कास्ट। और सेम इसी तरह हमने दूसरे साइड की पट्टी भी बनानी है, उसमें हमने बटन कास्ट नहीं बनाना है। तो ये दो सिलाई लगाने के बाद मैं अपनी बटन पट्टी को कास्ट ऑफ कर लूँगी। तो अपने कास्ट ऑफ कैसे करने हैं ये देखिए, इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ शो हो रहा है। ये देखिए ये हमने कर लिया है बटन कास्ट ऑफ। अब सेम इसी तरह की पट्टी हम दूसरी साइड भी बना लेंगे, उसमें डिफरेंस इतना ही है कि आपने उसमें कांच नहीं लगाना है। तो ये देखिए कितना ये सुंदर हमारा लग रहा है। अब हमने गले के फंदे उठा लेने हैं। गले में मैंने टोटल 80 फंदे हमने उठाए हैं छोटे बेबी के लिए। तो इसे भी हमने एक सीधा और एक उल्टा करके बना लेना है, जैसे हमने बटन पट्टी बनाई है। तो उसे बनाने के बाद में फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी गले की बटन पट्टी भी तैयार है। ये सब चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर यू ऑल।